कैनिज़ारो क्रिया केवल एल्डिहाइड में होती है जिसमें CHO ग्रुप लगा हो। कैनिज़ारो क्रिया केवल एल्डिहाइड्स में होती है और किसी में नहीं, ना एसिड में, ना एस्टर में, ना एसिड क्लोराइड में, ना साइनाइड में, ना कीटोन में, और किसी में नहीं जिसमें CHO यानी एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, केवल उसमें होती है। परंतु सारे एल्डिहाइड कैनिज़ारो क्रिया नहीं देते हैं, केवल वही एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी फार्मूला जहाँ पर कार्बन के क्रियात्मक समूह से फार्मूले की शुरुआत होती है, उस क्रियात्मक समूह के कार्बन के पहले वाला कार्बन जो होता है वो आपका अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ एच अल्फा एच कहलाता है। ऐसा कोई भी क्रियात्मक समूह जिसकी स्टार्टिंग कार्बन से होती है, उस कार्बन के ठीक पहले वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उस अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ एच अल्फा एच कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो बताना। तो वही हम कह रहे हैं, अब जैसे फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन के पहले कोई कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन एब्सेंट है, अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच भी नहीं होगा, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड में कैनिज़ारो क्रिया हो जाती है। बेंजाल्डिहाइड में लगता है कि CHO ग्रुप कार्बन वाला ग्रुप है और कार्बन के पहले बेंजीन के कॉर्नर पे कार्बन होगा, तो लगता है अल्फा कार्बन अल्फा एच है तो रिएक्शन नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि बेंजीन में जिस भी कोने पर कोई ग्रुप लगाते हैं वहाँ से एच हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन तो रहेगा लेकिन अल्फा एच नहीं रहेगा, यानी बेंजाल्डिहाइड में अल्फा एच एब्सेंट होने के कारण बेंजाल्डिहाइड में कैनिज़ारो क्रिया हो जाती है। एस्टरडिहाइड में नहीं होगी क्योंकि कार्बन के पहले कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके साथ लगा हुआ एच अल्फा एच भी है, एस्टरडिहाइड में कार्बन यानी अल्फा कार्बन भी है अल्फा एच भी है, इसलिए रिएक्शन नहीं होती है। ठीक, अब होती क्या है रिएक्शन? बेंजाल्डिहाइड जो भी लेते हैं वो 50% लिया जाता है, बेंजाल्डिहाइड जो भी लेते हैं वो हम लोग 50% लेते हैं और NaOH भी 50% लेते हैं। एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है जो कि अल्कोहल में बदल जाता है, दूसरे का ऑक्सीकरण होता है जो पहले बनाता है COOH, पहले वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और बना लेता है कार्बोक्सिलिक साल्ट का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट। अब एल्डिहाइड दो लेने थे तो हमने एल्डिहाइड ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, क्यों लिया? क्योंकि इसमें अल्फा एच नहीं है और इसी में हो सकती है, तो दो फॉर्मल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड बदल गया CH2OH में यानी इसका रिडक्शन हो गया, दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो गया जो बदल गया COOH में। एच फॉर्मल्डिहाइड में एच लगा था तो एच लगा दिया तो मेथिल अल्कोहल सोडियम फॉर्मल, बेंजाल्डिहाइड और एक फॉर्मल्डिहाइड ले लिया NaOH रिएक्शन बन गया। जब एल्डिहाइड्स अलग अलग होते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस कैनिज़ारो क्रिया। एक बेंजाल्डिहाइड इसमें भी अल्फा एच एब्सेंट है, एक फॉर्मल्डिहाइड इसमें भी अल्फा एच एब्सेंट है, दोनों में अल्फा एच एब्सेंट है तो रिएक्शन हो जाएगी, बट अगर दोनों एल्डिहाइड सेम होते हैं जैसे ये तो इसे क्रॉस कैनिज़ारो क्रिया कहते हैं, जब दोनों एल्डिहाइड्स भिन्न भिन्न होते हैं तो इसे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। जब एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीकरण होता है, ऐसी रिएक्शनों को कहा जाता है रिडॉक्स क्रियाएं, जो कि हम लोग फर्स्ट पेपर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर भी एक का अपचयन एक का ऑक्सीकरण हो रहा था, इसको भी रिडॉक्स क्रिया कह सकते हैं, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं।
आई जाने। सी सी एल थ्री सी एच ओ, ये आपका एक्सेप्शन है। क्या पहला पद ये क्या है? इससे कहते हैं क्लोरल। क्लोरल में एल्डिहाइड भी है और अल्फा कार्बन है, बट अल्फा एच नहीं है। अल्फा एच एब्सेंट है तो रिएक्शन होनी चाहिए। इसमें अल्फा एच एब्सेंट है तो रिएक्शन होनी चाहिए, बट इसमें कैनिज़ारो क्रिया नहीं होती। दूसरा सी एच थ्री सी एच सी एच ओ सी एच थ्री, इससे कहते हैं टू मेथिल। प्रोपेनल इसमें अल्फा एच प्रेजेंट है तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए बट होती। तो ये कैनिज़ारो क्रिया के दो अपवाद की जिसमें होनी चाहिए थी उसमें नहीं होती है, और जिसमें नहीं होनी चाहिए उसमें हो जाती है।